स्टूडेंट, ये जो एनिमल का ग्रुप है फाइला मिकायरोनर्मेटा, इन एनिमल्स में हेड नहीं होता, और हेड ना होने की वजह से इनमें ब्रेन भी नहीं होता, और इसके अलावा इनमें किसी भी किस्म की कोई सेगमेंटेशन भी नहीं पाई जाती। अब मिसाल के तौर पे वो तमाम एनिमल जिनमें हेड होता है, तो वो जो हेड वाला रीजन होता है उसकी बॉडी का, वो कहलाता है उसका एंटीरियर एंड, जबकि उसका जो अपोजिट एंड होता है वो पोस्टीरियर एंड कहलाता है। अब इनमें तो हेड है ही नहीं, तो इनमें हेड ना होने की वजह से इनका जहाँ पर ओरल कैविटी पाई जाती है वो ओरल एंड कहलाता है, जबकि इनका अपोजिट एंड एबोरल एंड कहलाता है। मतलब अगर मिसाल के तौर पर ये स्टारफिश है, स्टारफिश का ये माउथ ओपनिंग है, तो ये ओरल एंड कहलाएगा, और अपोजिट एंड जो इसका है एबोरल एंड कहलाता है। ये जो एनिमल्स होते हैं, इन एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो ना उसकी ग्रेडिंग क्या है ऑर्गन सिस्टम लेवल की, इनमें ऑर्गन सिस्टम बाकायदा ये चीज़ें पाई जाती हैं, और इन्हीं की वजह से ये बाकी के एनिमल्स से थोड़े से डिफरेंट भी हैं। अब इन एनिमल्स में एक यूनिक फीचर क्या है, इन एनिमल का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिक फीचर जो है वो होता है इनका वाटर वैस्कुलर सिस्टम। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि आपको एक वाटर वैस्कुलर सिस्टम दिखाया गया है, और इस वाटर वैस्कुलर सिस्टम के अंदर वाटर फ्लो करता है इन ट्यूब्स के अंदर, जो कि आपको डायग्राम में दिखाई गई हैं। अब जो ये ट्यूब्स हैं जो कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम की शक्ल में आपको दिखाई दे रही हैं, इन ट्यूब्स को हम बोर्ड पर ड्रा भी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप देख रहे हैं कि ये ट्यूब इस तरीके से थी, यानी ये इस तरीके से ट्यूब्स थी, ऐसे करके। अब यहां से पांच मजीद ट्यूब निकल रही हैं, ये पांच ट्यूब यहां पे इस तरह निकल रही हैं, ऐसे करके ये पांच ट्यूब इस तरह डेवलप हो जाती है इसमें। अब जो वाटर है वो एक यहाँ पर ओपनिंग होती है, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड मेड्रिपोराइट। इस मेड्रिपोराइट के जरिए से यहाँ पर अंदर इंटर होता है, यानी वाटर यहाँ से मेड्रिपोराइट के ओपनिंग के जरिए से अंदर इंटर होता है, और यहाँ पर आपको ब्लू कलर का जो रिंग दिखाई दे रहा है ये सेंट्रल केनाल भी कहलाती है, या सेंट्रल रिंग भी कहलाता है, या रिंग केनाल भी इसको कहते हैं। ये जो है ये रिंग केनाल भी कहलाती है चीज़ें। पानी सबसे पहले रिंग केनाल में आता है, और रिंग केनाल के बाद इन पाँच ट्यूब्स के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। अब जो ये पांच ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब्स को हम रेडियल कैनाल्स कहते हैं। तो पहले ये जो रिंग कैनाल है इसमें आया वाटर, वाटर इसके बाद भरने के बाद ये पांच ट्यूब्स में आ गया, जिनको हम कहते हैं रेडियल कैनाल। और तमाम जो ये रेडियल कैनाल होती हैं, इनके लेफ्ट राइट साइड पर भी छोटी छोटी कैनाल्स की ब्रांचेज निकल रही होती हैं, ऐसे करके यूँ, ठीक है, इस तरह से ब्रांचेज निकलती हैं, एंड दीज ब्रांचेज आर कॉल्ड लेटरल कैनाल्स। सबके ऊपर निकल रही होती हैं और बहुत बड़ी तादाद में निकलती हैं, दीज आर कॉल्ड लेटरल कैनाल। तो वाटर अब इस लेटरल कैनाल तक पहुंच जाता है। फिर तमाम की तमाम जो ये लेटरल कैनाल्स होती हैं, इन लेटरल कैनाल्स के एंड पर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर अटैच होती है, जिसको ट्यूब फीट कहते हैं, और ये ट्यूब फीट इनके लोकोमोशन में हेल्प करता है। अब अगर मिसाल के तौर पर इस लेटरल कैनाल को हम अलग से बनाएं, तो ये लेटरल कैनाल इस तरीके से होगी, और इसके साथ एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर अटैच होती है, ये फर्ज करो ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होगी यूं करके ऐसे, और ये है वो लेटरल कैनाल। इन तमाम लेटरल कैनाल के एंड पर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर अटैच होती है, ये ट्यूब फीड कहलाती है। ट्यूब फीड का ये जो ऊपर एक स्वेलिन पोर्शन है, बल्ब लाइक पोर्शन, ये कहलाता है एम्प्यूला। ये नीचे वाला पोर्शन सकर, जो कि बॉडी से बाहर होता है, और इसका मिडिल पोर्शन पोडियम कहलाता है, ये पोडियम कहलाता है, एम्प्यूला, सकर एंड पोडियम। अब वाटर किस तरीके से फ्लो करता है कि इस मेड्रिपोराइट से वाटर इंटर होता है, इंटर होने के बाद इस सेंट्रल कैनाल में या सेंट्रल रिंग के अंदर भर जाता है, यहाँ से भरने के बाद रेडियल कैनाल के अंदर वाटर भर जाता है, और फिर यहाँ से ये जो लेटरल कैनाल्स हैं इनमें पानी आना शुरू कर देता है, लेटरल कैनाल में आने के बाद पानी भर जाता है इस ट्यूब फीट के अंदर।
अब ट्यूब फीट के जरिए से वाटर के बाहर निकलने का एक ही रास्ता है सकर, और ये बॉडी के बाहर होते हैं जो आपने स्टार फिश के नीचे कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर देखे होंगे, ये सकर होते हैं जहाँ से वाटर बाहर निकलते हैं। तो वाटर इस तरीके से ट्रेवल कर रहा होता है, ये कहलाता है इनका वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा की यूनिकनेस है, ये इन्हीं में पाया जाता है और किसी में नहीं होता। इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम को हम हाइड्रोलिक सिस्टम भी कहते हैं, और बॉडी के बहुत सारे सिस्टम इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम के जरिए से ही ऑपरेट हो रहे होते हैं।